तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, जेम का रजिस्ट्रेशन पेन बेस्ड आधार बेस्ड दोनों प्रोसेस देखे, क्या और कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है ये चीजें हमने देखा, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीजें लगेगा, क्या मैंडेटरी है क्या ऑप्शनल है, कौन रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है वो सभी चीजें हमने देखा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें कोई गलती नहीं करना चाहिए, और गलती किया तो उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है ये सभी चीजें हम लोगों ने क्लियर किया पहले क्लास। उसके बाद प्रोफाइल अपडेट देखा कि हम अपने प्रोफाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं, प्रोफाइल को पूरा पूरा अपडेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये लोग हमारे क्लास में अभी तक हो चुका माई अकाउंट का पूरा काम है ना। हम लोगों ने माई अकाउंट देख लिया, हाँ जिनका जिनका आईटीआर का किसी का किसका प्रॉब्लम चालू है तो हमने अभी दिखाया है कि मेंटेनेंस की वजह से आईटीआर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इनका सबका काम मंडे सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोफाइल पूरा अपडेट करना देखा, माय एक्शन का देखा, वेंडर असेसमेंट देख लिया, रीसेलर पैनल देख लिया, यहाँ पे दोनों देखा एज ए रीसेलर एज ए ओएम और रीसेलर पैनल जो क्वाड्रेंट टू के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, बाकी के लिए भी यूज कर सकते हो पर क्वाड्रेंट टू के लिए मैंडेटरी है, ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। बाद में पर्सनल सेटिंग देख लिया, पर्सनल सेटिंग के सभी काम देख लिए, क्लोज करना है, ईमेल आईडी बदलना है, ये क्या होता है, पासवर्ड बदलना है या आधार अपडेट करना है, और माई टीम, माई टीम में सेकेंडरी यूजर ऐड करना है तो सेकेंडरी यूजर आप ऐड कैसे कर सकते हो और उसके बेनिफिट्स क्या है। साथ में हम लोगों ने कॉज एंड मनी के बारे में देखा, वहां पे पेनल्टीज वगैरह सभी चीजें हम लोगों ने क्लियर किया। कैटलॉग में प्रोडक्ट तीन तरीके से अपलोड करने का तरीका बताया, न्यू पेयर और क्लोन, सर्विस में प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका बताया, स्टॉक अपडेट करने का तरीका बताया कि आपको स्टॉक अपडेट करना है, रेट बदलना है, सेम प्रोडक्ट में सर्विसेज में कब प्रोडक्ट ओएम अप्रूवल के लिए जाएगा, कब वेयर प्रोडक्ट एडमिन क्लियरेंस के लिए जाएगा, उसमें नोटिफाइड प्रोडक्ट में कब जाएगा, ये सभी चीजें हम लोगों ने देखा। साथ में ब्रांड अप्रूवल देखा, ब्रांड को कोई भी अप्रूवल कैसे करना है एज ए ओएम और एज ए रीसेलर, और हम लोगों ने टेंडर पढ़ना चालू किया था, टेंडर के कुछ पार्ट्स हमने पढ़े थे, कुछ पार्ट्स हम लोगों ने छोड़ दिए थे क्योंकि कल थोड़े लोग फिर बाद में 9 बजे के बाद कम हो गए, तो हम लोगों ने भीड़ को फिर बाद में स्टॉप कर दिया। तो प्लीज आज आप लोग मत छोड़ के जाओ, आज क्लास 9:30 बजे तक चलेगा, 9:30 के बाद ही आप लोग सब लोग रिमूव होने का, क्योंकि आज मैं क्लास स्टॉप नहीं करूंगा, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि 9:30 तक रुको। तो चलिए इसके आगे का क्लास देखते हैं, जेम पे भीड़ को सर्च करने का। अभी हम लोग टेंडर विदाउट लॉगिन सर्च कर रहे हैं ना, एडवांस सर्च से कहाँ पे गए हम लोग, बीड में ऑनगोइंग बीड्स विदाउट लॉगिन, यहाँ पे एडवांस सर्च, ये आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, बीड में कौन सा टेंडर दिखेगा, सर्विस में कौन सा दिखेगा, बंच में कौन सा दिखेगा, सर्विस बंच बीड में कौन सा दिखेगा, बीड टू आर ए में कब आएगा, कस्टम बीड कब आएगा, हाई वैल्यू बीड्स क्या है, ये सभी चीजें हम लोगों ने आपको बता दिया था। अभी हम लोग थे हम लोग एडवांस सर्च, और हम लोग कोई भी एक टेंडर को स्टडी कर रहे थे, टेंडर को भरने से पहले हमें पूरा डॉक्यूमेंट्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट्स के इंफॉर्मेशन के पीडीएफ पड़े हुए हम टेंडर कभी भर नहीं सकते, और यदि भरने के लिए गए तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। उसके कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कशन किया था, आगे का टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बोलिए, कोई भी कैटेगरी का या लोकेशन वाइज या ऑर्गेनाइजेशन वाइज कैसा सर्च कर लो टेंडर, बताओ सर। कल वाला ही टेंडर एक बार रिपीट कर, कल का वाला ही टेंडर, तो शायद ये डाउनलोड में मिल जाएगा अपने को, ये वाला फाइल है, है ना, ये एक टेंडर है, हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का देखा था, डॉक्यूमेंट्स का पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, इस टेंडर का बीट टू आर ए अपना हो गया था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बाद का आगे का अपना पूरा बचा हुआ है, यहाँ तक हम लोगों ने आप लोगों को कल समझा दिया था, बीट टू आर ए भी समझा दिया था, यहाँ पे देखो ये बीट टू आर ए को समझा दिया था, कब बीट टू आर ए होगा, उसके क्या क्लॉजेस रहेंगे, ये सब चीज हम लोगों ने आपको बता दिया था। आगे चलते हैं, इसके बाद टाइम अलाउड फॉर टेक्निकल क्लियरिफिकेशन मतलब क्या है ये समझो, टाइम अलाउड फॉर टेक्निकल क्लियरिफिकेशन ड्यूरिंग टेक्निकल इवोल्यूशन, टेंडर पहला तो समझो कि टेंडर कितने पार्ट में खुलता है, तो टेंडर दो पार्ट में रहेगा, एक टेक्निकल इवोल्यूशन, देखो टेंडर जब देखा जाए तो टेंडर टोटल 5 पार्ट में होता है, क्या क्या रहता है, टेक्निकल ओपनिंग, टेक्निकल इवोल्यूशन, ये सब टोटल 5 पार्ट होता है, फाइनेंस ओपनिंग, फाइनेंस इवोल्यूशन और
एओसी, या इसको हम लोग वर्क ऑर्डर बोल सकते। एओसी मतलब अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा हम लोग जनरली जानते हैं। तो टेंडर से पांच पार्ट में रहता है। टेक्निकल ओपनिंग में होता क्या है, पहले ये समझो। टेक्निकल ओपनिंग मतलब जब टेंडर, कोई भी टेंडर आप लोग जो बीडर डालते हैं, जैसे यहाँ पे बताया था कि छह बीडर ने टेंडर डाला, ये छह बीडर जो भरेगा उसका सिर्फ ओपन करेगा, उसका सिर्फ चेक करेगा। जनरली यहाँ पे जो चेक होता है, यदि हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे फीस चेक किया जाता है। तो टेंडर फीस, यदि टेंडर का फीस रहा तो जेम पे तो टेंडर फीस नहीं है, जेम में टेंडर फीस नहीं, एंड ईएमडी। तो यहाँ पे ये दो चीजें सिर्फ चेक किया जाता है कि जितने लोगों ने टेंडर भरा है उन लोगों ने टेंडर फीस और ईएमडी भरा है या नहीं भरा है, इतना ही चेक किया जाता है। इसके बाद में इससे टेक्निकल ओपनिंग हो जाता है। ओपनिंग होने के बाद बीडर का नाम पता चल जाता है, कौन कौन लोग टेंडर में आए हैं, कितने पार्टिसिपेट्स हैं, उनके नाम, उनका डिटेल्स पता चल जाता है टेक्निकल ओपनिंग में। बायर को भी और जितने लोगों ने टेंडर भरा है या सेलर को, सबको पता चल जाएगा। ये टेक्निकल ओपनिंग में पता चलता है। यह हो गया टेक्निकल ओपनिंग। उसके बाद टेक्निकल इवोल्यूशन में डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमने बोला था वो डॉक्यूमेंट सबने बराबर डाला है कि नहीं। पर क्या होता है, एज पर क्लॉज क्या होता है टेक्निकल इवोल्यूशन में, यदि हमने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले, एज ए एग्जाम्पल हमने कोई डॉक्यूमेंट्स को नहीं पुटअप किया ज्यादा, जैसे टेंडर में मान लीजिए यहाँ पे क्या बोला था, एटीसी बोला है, एक्सपीरियंस बोला है, आईटीआर बोला है और जीएसटी बोला है, ऐसे हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट बोल दिए है, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट बोला है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बोला है। हमने सब तो डाला था पर जीएसटी हमसे रह गया, जीएसटी हमने नहीं डाला। तो हमें एज ए रूल बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे टेक्निकल इवोल्यूशन से बायर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, उसको मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो कितना टाइम देगा मुझे ये जीएसटी को अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे बताता है कितना टाइम मिलेगा मुझे, दो दिन। जब टेक्निकल इवोल्यूशन होगा उसके बाद मुझे 2 डेज का टाइम मिलेगा, तो मैं 2 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स यदि अपलोड कर दिया तो मैं टेक्निकल इवोल्यूशन में टेक्निकल में क्वालिफाई हो जाऊंगा, और 2 दिन में भी मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा टेक्निकल। क्लियर है या कोई डाउट है इसमें तो बताओ। सर हम इसमें मैसेज आएगा या अगला वाला? हाँ, मैसेज मेल दोनों आएगा। रोशनी मैडम, रोशनी मैडम सर एक बार रिपीट कर सकते हैं, मुझे नहीं समझा एक्चुअली। हाँ तो कंता सर बोलिए, तो कंता सर। हेलो। हाँ मैडम रिपीट कर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोल रहे थे, टेक्निकल इवोल्यूशन मतलब टेंडर में डॉक्यूमेंट्स को जब वेरीफाई किया जाता है, तो हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला है उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया या डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया, मेरे से कोई डॉक्यूमेंट डालना रह गया, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली बायर डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, वो मुझे टाइम देगा। तो कितना टाइम देगा उसके लिए मुझे यहाँ पे बताता है, तो मुझे बायर 2 दिन का टाइम देगा, और जब मुझे 2 दिन का टाइम मिलेगा तो मैं टेंडर को यहाँ पे 2 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट यदि डाल दिया तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। अभी 2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अपलोड करोगे, तो यहाँ पे उसका, अभी ये तो लाइव नहीं दिखा सकता, ये मेरे पास एक, मैंने हमारा यूट्यूब का चैनल आप लोगों को पता होगा भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन बोल के है, यहाँ पे आपको इसका डिटेल्स में दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे जैसे डाला है, ये पहला वीडियो हमारा ही आया, तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। इसको देखो जेम का ही वीडियो है ये, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस अलग है, जेम का प्रोसेस अलग है। तो जेम का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यह हमारा ही चैनल है, यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे हम लोग अपलोड कैसे करेंगे,
यहाँ पे भी कितना 5 दिन का टाइम दिया होता है, तो 5 दिन के अंदर मुझे अपलोड करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे पोर्टल में जाके उसको अपलोड कर सकता हूँ। कहाँ पे? पार्टिसिपेटेड बिड्स में जाएंगे यहाँ पे, मतलब हमने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया था, उसके बाद ये बंच बिड का पार्ट है, इसलिए बंच बिड जो टेंडर आईडी था वो टेंडर आईडी डालो, तो इसको सर्च कर देंगे तो यहाँ पे वो टेंडर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा एक, ये नहीं, माय रिप्रेजेंटेशन अलग है, इसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। माय रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, माय रिप्रेजेंटेशन के बारे में अलग से बताता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा और एक ऑप्शन, क्लिक हेयर टू सबमिट पेंडिंग क्लियरिफिकेशन, दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक हेयर टू सबमिट। और क्लियरिफिकेशन क्या बोला है वो आप यहाँ से नीचे व्यू में देख सकते हो, नीचे आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप क्लियरिफिकेशन देख सकते हो, जो आपको क्यों क्लियरिफिकेशन क्या बोला है, बायर ने क्या बोला है। तो बायर बोलता है ओएम का ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपने नहीं अपलोड किया या गलत अपलोड किया होगा, तो आपको ओएम का ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड कहाँ से करेंगे, तो पेंडिंग क्लियरिफिकेशन से आपको अपलोड करना है, यहां से आपको पेंडिंग क्लियरिफिकेशन क्लिक हेयर टू सबमिट, यहां से आपको अपलोड करना है। तो आप यदि अपलोड कर देंगे और फिर ये डॉक्यूमेंट सही हो गया तो आपको यहां से उसका आपको टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। यहां पे डालो डॉक्यूमेंट्स का नाम और यहां फाइल डाल के अपलोड करके सबमिट, तो आपका डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। अब जैसे अपलोड हो गया वो ऑप्शंस यहां से निकल गया। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं। प्रवीण सर, सर आपने बोला कि ये 2 दिन का डॉक्यूमेंट का अपलोड टाइम देते हैं या 5 दिन का देते हैं, अगर उस टाइम में सिस्टम मेंटेनेंस में चला जाता है और वो टाइमलाइन निकल जाता है, फिर क्या होता है? फिर वो तो आपको जेम को कंप्लेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जेम की वजह से प्रॉब्लम आया ना, बायर आपको कुछ नहीं करेगा, फिर जेम उसके हिसाब से एक्सटेंड कर सकता है। कर सकता है या करते हैं? नहीं, ऐसा कभी होता है कभी नहीं होता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम टेंडर लूज भी कर दें डेडलाइन की वजह से, अगर जेम मेंटेनेंस में चला गया तो? हाँ, होता है कभी कभी, ऐसा प्रॉब्लम आया भी है, हमारे साथ भी हुआ है। तो वो तो कंप्लेन करते हैं खाली, वो तो पूरा एक बिजनेस लॉस हो जाता है फिर। हाँ, वो तो है ना, कुछ नहीं कर सकते अभी, ये तो हम खाली जेम को कंप्लेन कर सकते। सर कंप्लेन तो कभी पूरा रिजॉल्व होता ही नहीं है ना गवर्नमेंट का। हाँ, अभी वो तो देखो, अभी वो है तो है, वो आपका लक समझ लो, बाकी कुछ नहीं बोल सकते। पर ये तो बहुत बड़ा एक लूप होल है। अभी जो सर है सो है, अब इसमें हम हमारा पोर्टल है। नहीं नहीं, आप तो मैं कुछ नहीं कह रहा कि आप कुछ कर सकते भी नहीं, मैं तो आपसे इसका एक सलूशन क्या होना चाहिए। नहीं, सलूशन आप सिर्फ जेम को कंप्लेन कर सकते हो, कभी कभी एक्सटेंड हुआ भी है, मेजर यदि उसका हुआ है, मतलब मेजर जब मेंटेनेंस चला है तो एक्सटेंड हुआ है, पर जैसे नॉर्मल अभी जैसे नॉर्मल मेंटेनेंस चल रहा है, बहुत सारी चीजें काम कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में नहीं होता। पर मेजर मेंटेनेंस होता है पूरा एकदम सिस्टम ठप, जैसे दिसंबर में अंत में हुआ था, दिसंबर लास्ट से जनवरी 7 तारीख तक मेंटेनेंस था, तो उस टाइम पे सभी चीजें अपडेट होंगी। ओके, तो ऐसे कंडीशन में होता हो जाता है, पर बाकी में छोटे मोटे में तो बहुत बार मैंने कंप्लेन किया पर रिजॉल्व नहीं। ओके, तो आप जेम को खाली कंप्लेन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, बाकी उनके इस पे ये फेवर्स में जनरली देखो, पूरा काम जो भी है सब बायर के फेवर में ही ज्यादा रहता है, सेलर के फेवर में कम ही रहता है। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि बायर के फेवर में ही है, बट एक ये इशू है जो मेरे को नजर आ रहा है कि यू नो सेलर कैन लूज द बिजनेस। हाँ, ऐसे कंडीशन में सेलर हो सकता है, पर कम होते हैं। अच्छा, बहुत ही कम, मतलब इस ये रीजन पे तो नहीं होते। हाँ, टेंडर भरते वक्त प्रॉब्लम हो सकता है, आप टेंडर लास्ट डेट पे भर रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, वो ही मैं पूछ रहा हूँ। तो लास्ट डेट पे टेंडर भरने के लिए जेम पे तो कम, ये प्रॉब्लम जेम पे टेंडर भरते वक्त, क्योंकि आपको 10 दिन का टाइम, आपने लास्ट दिन पे आप उठे तो आपका वो आपको प्रॉब्लम आपको ठहराया जाएगा, आप इससे पहले क्यों उठे, इसकी वजह से। हाँ, सुकांता सर बोलिए। इसी सिचुएशन में हमने क्या कर दिया, बायर कर सकता है,
पर आपने बायर ने नहीं किया तो कुछ नहीं, मैं वही पहले ही बोला ना प्रवीण सर को कि बायर के फेवर में रहता है। सर मेरा दो पॉइंट ये था, जैसा भी OEM डॉक्यूमेंट जो है ना जो सबमिट करने के लिए बोलता है, ऑथराइजेशन सबमिट करने के लिए बोलता है, तो हमने कैसे चेक करेगा वो डुप्लीकेट है ओरिजिनल? वो तो आपको फिर OEM को मेल करना पड़ेगा और वो OEM रिप्लाई देंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए तो हम यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबको अभी हम वो सिखाएंगे ना, यदि ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है नहीं है आपके पास तो आप बनाने का तरीका बताया ना मैंने, इसलिए जब जेम चेक नहीं कर पाया तो आप कैसे चेक कर पाओगे बताओ? ये सर एज ए बायर जो क्या होता है अभी जो बिल्ड कोटिंग कर देते हैं जैसे वो कुछ नहीं कर सकते आप, हां वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है ना, वही पूछ रहा हूं। हां अभी जब जेम चेक नहीं कर पा रहा है, मेरा जेम वेरीफाई नहीं कर पा रहा है तो आप ये कैसे चेक करेंगे? मैं कहां से? ये सर ये सर अट टाइमेबल चीज हो जाता है। ये सर थैंक यू। गणेश सर बताइए। हेलो, हाँ बोलिए ना सर। हमने टेंडर भरा था लास्ट, तो उसमें सर लास्ट डे को ही भरा था तो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ऐसा क्यों होता है सर? सर कोई मेंटेनेंस का काम होगा, कुछ रहा होगा, अभी क्यों प्रॉब्लम आ रहा है उस टाइम के, तो उस टाइम का सिनेरियो के हिसाब से काम होता है, अभी ऐसे क्यों? अभी वो आपके ऊपर आ गया ना, अभी ऐसा नहीं कि हमेशा आता ही है। ठीक है सर। इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड बाय, अभी इस टेंडर को इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होगा। एजेंसी प्री रजिस्टर्ड विद जेम, जो 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 लोग जेम से पहले से इंस्पेक्शन की अथॉरिटी रजिस्टर्ड है उनके साथ आपको करवाना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन। तो ये यस है, जनरली ये बहुत कम टेंडर्स में रहते हैं, ये जानबूझ के डाला हुआ है। इससे अपने को ये साफ साफ आता है, LED लाइट का क्या इंस्पेक्शन होगा? मेडिसिन होता, कोई मेडिकल होता जिससे हेल्थ के रिलेटेड हो सकता था, वाटर प्यूरिफाई वगैरह होता था, ऐसे कुछ चीजें जिसको हेल्थ इंपैक्ट करता है उसका हमको समझ में आता है इंस्पेक्शन। पर ये LED लाइट का क्या इंस्पेक्शन? तो ये ऐसे यदि कंडीशन कोई डाल रहा है तो मैं इससे 99% बोल सकता हूं ये टेंडर जानबूझ के क्लॉज डाला गया है सेटिंग करने। प्रवीण सर, सर आपको लास्ट टाइम होगा मैंने आपसे पूछा था कि प्राइसेस में सब चीज इंक्लूड होता है, राइट? आपने बोला कि सब कुछ इंक्लूडेड होता है। अभी अगर मेरे को ये बायर बोलता है कि इंस्पेक्शन लगेगा और वो भी सर्टिफाइड एजेंसीज बाय द जेम, तो उनकी भी एक कॉस्ट अलग होती है। हाँ, तो आपको वो सब इंक्लूड करके ही देना है ना सर। हर प्रोडक्ट की हर इंस्पेक्शन कॉस्ट अलग होती है, वो पहले से पता नहीं लगती सर आपको। यहाँ पर है ना, ये कौन सा प्रोडक्ट है आप ही दे रहे हो ना, आप कोटेशन देने से पहले जब आप रेट कोट कर रहे हो उससे पहले पता करके रेट डालो ना। हाँ, तो मतलब इंस्पेक्शन कॉस्ट हमको इंक्लूड करनी चाहिए, इंक्लूड करना है। यहाँ पे आपको अलग से कुछ नहीं मिलेगा, जो है टर्म्स एंड कंडीशन पहले दिया हुआ है, ये टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली उनको देना है। क्योंकि इंस्पेक्शन कॉस्ट डालते ही प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है कई बार। अब जो भी है सर वो सबके लिए, आपके अकेले के लिए तो बढ़ेगा नहीं, जितने भी सेलर है जो लोग आपके कॉम्पिटिटर है सबके लिए बढ़ेगा। Okay. आपके अकेले के लिए तो होने वाला है नहीं ना सर, तो कॉम्पिटिटर सबके साथ ही करना है आपको। सिंह सर बोलिए। सिंह सर। सर मैं ये बोल रहा था कि मेरे को अभी तक जहां तक समझा कि मिला जुला के अपने को बायर को ही सेटिंग करना है, बाकी तुम कुछ भी डालो मिलेगा तुमको ही ना। ये अभी समझा आपको? नहीं समझा मेरे को, जैसे आप ये बोलते हो कि ये डालो ये करो, मतलब ठीक है। तो मैं आपको यहाँ का ओरिजिनल फैक्ट बता देता हूँ, आप सर ने क्वेश्चन उठाया है इसलिए। यहाँ पे ऑर्डर जिनके पास बायर का सेटिंग नहीं, जिन लोगों के पास भी बायर से सेटिंग नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ, 90% चांस है कि आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा यदि आपके साथ बायर का सेटिंग नहीं है तो। और मेरे साथ यदि बायर का सेटिंग है तो 100% मुझे 99% चांस है कि ऑर्डर मुझे मिलेगा, कुछ भी कर लो और मेरे पास आया तो मैं 100% बोलता हूं कि आपको कोई भी काम आपको ही दिलाऊंगा कैसे भी कर।
जेम पे विदाउट बायर के सेटिंग के आप टेंडर पे काम करना मतलब आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क। 90% बता रहा हूं, मैं 90% भी कम बता रहा हूं, 99% बोला तो भी बहुत है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो बीड के थ्रू से हो या नॉर्मल डायरेक्ट परचेज तो मिलने के चांसेस नहीं के बराबर है। बीड के थ्रू से बाय डिफॉल्ट कभी कभार कोई कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अच्छे हैं उनके तरफ से मिल गया तो मिल गया। मिला फक्त म्हणाव की ऑनलाइन राहायला लावले, ऑनलाइन राहायला लावले। सर मुझे तो ये समझना है कि एक तो पोर्टल ठीक से सीख लो, जैसे कि आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, दूसरा कर लो बायर से सेटिंग बढ़िया सी। बराबर, ये दो काम हो तो बढ़िया से काम चल जाएगा। हाँ, ये दो काम यदि आपने कर लिया, एक पोर्टल को पूरी तरीके से समझो, क्योंकि पोर्टल समझोगे तो बायर से सेटिंग कर पाओगे, क्योंकि बायर आपसे कुछ पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे। तो पोर्टल का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और बायर के साथ सेटिंग। यदि आपके पास 3 साल तो कम से कम 3 साल में आप जो चाहिए वो कर लो, क्योंकि बायर जितना सेलर चाहिए जेम को उसमें अभी 5-10% भी लोग नहीं आए हैं जेम। 90% लोगों को जेम के बारे में पता नहीं है। आज से 3 साल के बाद जेम में जो कॉम्पिटिटर होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी आपके पास कोई भी कॉम्पिटिशन ही नहीं है, विदाउट कॉम्पिटिशन आप काम कर रहे हो। तो बिंदास बायर के पास जाओ, विदाउट कॉम्पिटिशन वन साइडेड राज कर सकते फिलहाल, खास तौर पे कुछ कुछ स्टेट में तो बहुत ज्यादा। अभी यदि हम लोग बात करेंगे यूपी का, तो वहां पे कंपटीशन थोड़े बढ़ गए क्योंकि वो बहुत आगे निकल गया यूपी एमपी। महाराष्ट्र में बिल्कुल कंपटीशन नहीं है बहुत सारे। चलो इलेगो, ये सब पॉइंट हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, अभी पॉइंट उठा था इसलिए बोला। सर, एक और बोल रहा हूँ, बायर एक ही रहता है कि मतलब अलग अलग बायर रहेंगे? अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बायर रहेंगे। नहीं मतलब बायर करने वाला एक ही पर्सन रहता है कि अलग अलग? अलग अलग हो सकते हैं ना, अलग अलग। रोशनी मैडम बोली, रोशनी मैडम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा अच्छे से। हाँ नहीं, अभी हम लोग अलग ही टॉपिक्स में बात कर रहे थे। मतलब आपने जो भी इंस्पेक्शन से रिक्वायर्ड बोला वो वाला पॉइंट और ये दो पॉइंट नहीं समझ में। नहीं, यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला मैडम। इंस्पेक्शन, ये प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होगा ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ओके, एक आपको जो भी पार्टी या एजेंसी होगा उससे आपको इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। अच्छा, जो जेम पे रजिस्टर्ड इंस्पेक्टर है। ओके, उनसे आपको ये प्रोडक्ट इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, बस इतना ही है। बस इतना है ना? बस। निखिल सर बोलिए। सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा जो आपने बताया ना, कि कुछ भी नहीं समझ में। क्या नहीं समझा वो बताइए। इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड जो है ना, हाँ, ये आपको बायर से या ऑथराइज? बायर से नहीं कराना है आपको, जो आप प्रोडक्ट देंगे उनको आपको थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाना है। थर्ड पार्टी मतलब जिससे हम जो भी माल लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, आपका जो रजिस्टर्ड है जेएम पे, रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के होते हैं इंस्पेक्शन एजेंसी होते हैं, उनसे करवाना है। जेम पे नहीं रहते हैं आपको। अभी जैसे मान लो आपको अभी ब्लड रिपोर्ट, तो ब्लड रिपोर्ट का टेस्ट करवाना है, तो आप कहीं पर जाओगे ना ब्लड रिपोर्ट टेस्ट कराने के लिए, तो ऐसा आपका प्रोडक्ट का टेस्ट करवा के लेके आना पड़ेगा जो ये प्रोडक्ट आपका सच में सही है क्या, उसका रिपोर्ट आपको इधर सबमिट करना पड़ेगा। अभी आपको क्या बोल रहा है, आप कोई भी डॉक्टर से जाके रिपोर्ट, आप कोई भी लैब में जाके रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते। अभी क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई जो भी है आपका डॉक्टर, वो क्या बोल रहा है, जो आपका ब्लड रिपोर्ट आपको वहीं से टेस्ट करवा के लेके आना है जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, वो आपको कुछ लिस्ट बता देंगे, उनके पास से ही आपको ये टेस्ट लेके आना है। तो ऐसा यही ये प्रोडक्ट आपको लेके जाना है, उनसे आपको टेस्ट करवा के लेके आना है ये प्रोडक्ट, ये इंस्पेक्शन, ये जो आपका रिक्वायरमेंट है बायर का उसके हिसाब से ये पूरा फिट है, वो आपको एक रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, वो रिपोर्ट आपको बायर को सबमिट कर देंगे। लेकिन ये तो सर मुझे पता नहीं है कहाँ से, वो तो आपको पता करना पड़ेगा कहाँ पे एजेंसीज हैं, कहाँ पे क्या है। अच्छा, कौन है एजेंसी, कहाँ होता है, उसका नाम सिर्फ बता देगा बायर, बाकी कुछ नहीं बताएगा। आपको ढूंढना आपको है कहाँ पे आपके स्टेट में कहाँ पे है, नहीं तो आप दूसरा NSIC के ऑफिस से भी करवा सकते हो। NSIC रजिस्टर्ड है हर जगह पे, NSIC का ऑफिस रजिस्टर्ड है, NSIC का ऑफिस आपको मिल जाएगा, NSIC की वेबसाइट, वहां पे जाके आप करवा के लेके आओ। पर NSIC से रजिस्टर्ड निकालना मतलब बहुत बहुत मुश्किल है। इंस्पेक्शन टू बी कैरीड आउट बायर ओन इंप्लीमेंट, हाँ, इंस्पेक्शन टू बी कैरीड आउट
वो बोल रहा है कि बाहर का खुद का भी हो सकता है, तो आप उनसे भी करा सकते हो, बाहर के पास से भी करवा सकते हो, या फिर जो जेम पे रहेंगे उनसे भी करा सकते हो। टाइप ऑफ इंस्पेक्शन कब होगा, इंस्पेक्शन कब होगा, टेंडर से पहले या टेंडर के बाद, मतलब पोस्ट डिस्पैच। आपको कोई भी प्रोडक्ट टेंडर मिला तो आपको डिस्पैच से पहले इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब जब आपका प्रोडक्ट डिस्पैच करोगे उससे पहले उनका इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, उनका सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट उनको लगा कि हाँ सही है तो आप वो प्रोडक्ट को डिस्पैच करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो इंस्पेक्शन पोस्ट डिस्पैच, मतलब ये टेंडर भरते वक्त आपको इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, टेंडर मिला तो देना है। कभी कभी ये प्री डिस्पैच रहता है, सॉरी ये पोस्ट डिस्पैच है, मतलब ये हमने अलग बोला, ये प्री डिस्पैच। पोस्ट डिस्पैच मतलब आपने जब प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, सप्लाई करने के बाद आपको इंस्पेक्शन करवाना है, सप्लाई करने के बाद। एक रहता है प्री डिस्पैच, मतलब सप्लाई करने से पहले। कभी कभी यहाँ पे क्या बोलता है, बिफोर बिडिंग, मतलब ये टेस्ट सर्टिफिकेट इधर अपलोड करना पड़ता है, तो आप जब टेंडर भरोगे तभी आपको टेस्ट रिपोर्ट देना है, तो अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। आप प्रवीण सर बोलिए। सर 99% क्या 100% हमेशा इंस्पेक्शन बिफोर डिस्पैच ही होता है? वो रह सकता है, वो बायर के हाथ में है, वो टर्म्स एंड कंडीशन कैसा डालता है। पोस्ट डिस्पैच तो सेलर के लिए भी रिस्की है और बायर के लिए भी रिस्की है, क्योंकि गुड्स तो बन गए ना। इंस्पेक्शन तो हमेशा बिफोर डिस्पैच ही होता है। हाँ ये, पर ये बायर के हाथ में है, बायर चाहे तो दे सकता है, उसके पास कंडीशन लिखने को रहता है, वो कंडीशन में जैसा लिखेगा उसके हिसाब से आपको चलना है। जनरली पोस्ट डिस्पैच होता है, पर जरूरी नहीं है कि हर एक टेंडर में पोस्ट डिस्पैच ही रहे। जनरली पोस्ट डिस्पैच होता है या प्री डिस्पैच होता है? पोस्ट डिस्पैच होता है जनरली। 95% टेंडर में आपको पोस्ट डिस्पैच ही मिलेगा, 5% चांसेस है कि अलग मिलते, पर ये बायर के हाथ में, बायर जैसा निकलेगा वैसा। अभी मैं यदि टेंडर इसके जगह पे मैं टेंडर निकालता तो मैं कभी भी पोस्ट डिस्पैच नहीं करता। मैं टाइम ऑफ बिडिंग करता, बिडिंग के टाइम पे ही चाहिए, क्योंकि उसी टाइम आपको दिखा, टाइम आपको उसी टाइम पे डिस्क्वालीफाई करता। हाँ एग्जैक्टली, हमें इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ, इसके वजह से। तो डिपेंड बायर कैसा टेंडर करता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स है कौन, ये इसको चेक करेगा, तो उसके बोर्ड ऑफ ऑफिसर जो होंगे वो लोग चेक करेंगे। इवोल्यूशन कैसा होगा, तो वैल्यू वाइज इवोल्यूशन होगा, मतलब ओवरऑल जो सबसे कम रेट में टेंडर भरेगा उसको ये टेंडर मिलेगा। यहाँ तक पॉइंट में क्लियर है या कोई डाउट है तो बताओ, और एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने अभी एक पार्ट पढ़ लिया, इस पार्ट में किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। पोस्ट डिस्पैच मतलब आप जब टेंडर मिल जाएगा, प्रोडक्ट सप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपको वहां पे इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब अपने घर से आप इंस्पेक्शन करा के लेके नहीं जा सकते। गवर्नमेंट बॉडी बैठी है, आप यदि पैसा खिला सकते हो तो कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई हो जाएगा। नहीं, जैसे मेरा एग्जांपल है, मैंने 100 पीस का मेरा ऑर्डर था। नहीं, रेंडमली होता है, एक दो पीस ही होता है। हाँ रेंडमली होता है, रेंडमली बायर आपको उठा के दे देगा, ये करवा के लेके आओ। हाँ राइट, ऐसा है वो 100 पीस उधर इंस्पेक्शन करते हैं। एक या दो, बहुत हो गया दो से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम जनरली एक ही भी करवाते हैं, मैक्सिमम 5% इंस्पेक्शन होता है। हाँ बहुत हो गया, नहीं तो जनरली एक या दो प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ऐसा कुछ चीजें हैं कि ज्यादा वो हेल्थ को नुकसान करने वाला है तो उसका थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकता है। राइट, और किसी को कोई डाउट? उसका सर्टिफिकेट आने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स के साथ शिप किया जाता है, उसके बाद ही अप्रूवल के लिए और डिस्पैच के लिए क्लियर होता है। नहीं, आपको डिस्पैच देना है, उसमें से बायर आपको दे देंगे रेंडमली ये दो प्रोडक्ट, मान लो दो बोला या पांच बोला या दस बोला, इसका मुझे इंस्पेक्शन करा के ला के दो। आप इंस्पेक्शन करा के सर्टिफिकेट लाने के बाद वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे, तब तक वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कुछ पॉसिबिलिटी निकलती है कि रिजेक्शन हो जाती है तो आपको फिर से प्रोडक्ट मटेरियल उठा के और घर पे लेके जाना पड़ेगा आपके पैसे। ओ ओ ओ ओ ओके।
पर आप चाहे तो ये वाला इंस्पेक्शन आप क्लियर करवा सकते हो। यहाँ पे सब पैसा खाने के लिए बैठे हुए, आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट रहा तो भी पैसा देना पड़ेगा, ये भी विदाउट पैसा आपको बहुत घुमाएगा, बहुत घुमाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। वो तो सर आपने पहले ही बोल दिया ना कि 99% ऑर्डर मिलेगा ही नहीं जब तक सेटिंग नहीं है। हाँ वो तो पहला पार्ट हो गया, उसके बाद भी यहाँ पे आपने घुस भी गए तो भी ये बता रहा हूँ अलग से, ये तो बायर नहीं होगा ना, बायर भी हो सकता है और आप थर्ड पार्टी से भी इंस्पेक्शन करा सकते हो ना इसमें। आपने बायर यदि आपका बराबर इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है, बायर आपको रिजेक्ट कर रहा है, ये सब हम कॉस्टिंग्स में कैसे ऐड करेंगे, ये तो बहुत रैंडम चीजें होती हैं सर। आपको इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का। आप जैसे गवर्नमेंट में एक बार नुकसान होगा ना, पर दोबारा तो ये नुकसान नहीं होगा ना आपको। वो तो जब तक हाथ साफ नहीं होता तब तक आप खेल सर, कोई भी बराबर है ना सर। आप सोचो ना, कोई भी काम विदाउट एक्सपीरियंस आप करने के लिए एंट्री मारेंगे तो थोड़ा तो एक बार तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। नहीं, रिस्क भी है और फाइनेंशियल लॉस भी थोड़ा झेलना पड़ेगा, थोड़ा तो झेलना पड़ेगा सर। कहीं भी कोई भी चीज आप जब नया कर रहे हो कुछ चीजें, तो आप लॉस खा के ही सीखोगे। हाँ मतलब कई बार कॉस्टिंग गलत होगी, कई बार कई चीजें गलत होंगी शुरू में, पर ये रेयर केस में है, ये नहीं रहता। दूसरा टेंडर में आपको दिखाता हूँ ये सब नहीं रहता बहुत ही। हाँ मैं बोला तो मेडिकल इश्यूज में जो आइटम होते हैं जो हेल्थ को इशू कर सकती है उसमें रहता है, ये LED या कंप्यूटर डेस्कटॉप, तो ये जो कोई भी प्रोडक्ट है उसमें नहीं रहता। इसने जानबूझ के डाला है खाली कि कोई ना आए, देख के ना आए। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोगों को ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि यदि बायर के साथ सेटिंग नहीं है तो ऐसा टेंडर को हाथ डालने मत जाओ, सिर्फ नुकसान होगा आपको, टेंडर तो कभी नहीं मिलेगा। ये मैं आप लोगों को सीधे शब्दों में सजेशन दे देता हूँ अभी, क्योंकि आप क्या करोगे पोस्ट डिस्पैच के बाद जैसे ही लेके जाओगे ना, बोलेगा ये रिजेक्ट कर देगा, मेटेरियल ही बोलेगा रिजेक्ट कर देगा, जाओ घर लेके जाओ। हुआ है हमारे खुद के बहुत सारे लोगों के साथ, हुआ है सर। ये हुआ नहीं है, ये तो एक रेगुलर फीचर है, वो होता ही है। तो इसीलिए ऐसे चीजों पे जल्दी हाथ मत डालने जाओ। हाँ आपके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा है, थोड़ी सपोर्ट अच्छी है, तो फिर आप हाथ डाल सकते। अग्रवाल सर बोलिए। सर मतलब ये पोस्ट डिस्पैच लिखा हुआ है तो अपन उधर हाथ ही ना डाल सकते, अगर पोस्ट डिस्पैच है तो उसमें नहीं करना फिर अपन। हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं जा सक जाना है, मेरा सजेस्ट है कि जनरली थोड़ा सा इग्नोर करो। हाँ आपकी पावर अच्छी है, आपकी पहचान अच्छी है तो जा सकते, या आपके घर के पास कोई काम है तो आप वहाँ पे आपको अच्छा पहचान है। हाँ मतलब आप किसी को निकाल के एंट्री मार सकते हो तो, पर ये समझ लो इस ये टेंडर 99% सेटिंग है। ये ऐसे क्लॉज आ गए तो समझने का ये सेटिंग का काम, अब सेटिंग के काम में घुसना मतलब रिस्क। सर एक तो ये पोस्ट डिस्पैच बताया आपने, और एक और कौन सा बताया जिसको प्री डिस्पैच, प्री डिस्पैच प्री, अच्छा, और एक टाइम ऑफ बिडिंग, बिडिंग के टाइम पे यहीं पर बोलूंगा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दो। सर मुझे एक सवाल और था। हाँ। सर जैसे अपन ने कोई टेंडर उठा लिया है और जब हमने उसका सप्लाई का टाइम आएगा तो अकॉर्डिंग हम उसी के हिसाब से सप्लाई करेंगे, तो जब हम उसका सर कुछ चालान वगैरह भी बना के हम ले जा सकते हैं ना, कि किसी का सील सिग्नेचर लेने की। हाँ, वो तो लेके जाना ही पड़ेगा ना आपको, उसका ऑर्डर का मेटेरियल उसने रिसीव किया उसका एक्सेप्टेड लेटर आपको लेना पड़ेगा। तो सर जैसे अगर कोई वहाँ पे थोड़ा सा ना परेशान करते हैं कि नहीं बाद में कर देंगे ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे साथ हो गया सर। देखो ये अंदर की बात है, ये आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो ये आपको देखना है। ये मैनेज करने के अलग अलग तरीके, आप पैसा डाल सकते हो तो हर जगह पॉसिबल है, नहीं डालना चाहते हो तो आप कंप्लेन करो ऊपर, उनके ऊपर का अथॉरिटी को, नहीं पैसा खिलाना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं साफ सुथरा रहना चाहता हूँ और मेरा प्रोडक्ट भी पास करवाना चाहता हूँ ये उसको लिए, तो आप वो अपने ऊपर ऊपर अथॉरिटी से कंप्लेन करो, तो आपको वो लोकल इश्यूज जो है ये आपको वहाँ पे हैंडल करने पड़ेंगे खुद, और ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे आप छलांग मारेंगे। मैं यहाँ से यदि आपको इसके ऊपर 2 घंटे का भी लेक्चर ले लिया तो भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सिनेरियो जगह के हिसाब से बदल जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे घुस के यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। हर लोग अलग अलग होंगे, हर की मेंटलिटी अलग होगी, हर डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका है, तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां का माहौल क्या है ये नहीं पता आपको।
चलिए आगे चलते हैं। ईएमडी नहीं है, ईएमडी मतलब एर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये कितना होता है जनरली, ये 0.5% 0.5 to 5% हो सकता है। किसका? टेंडर वैल्यू का। पर इसमें तो टेंडर वैल्यू ही नहीं दिया, तो आप यदि यहाँ यस रहता तो आप कैसे कैलकुलेट करते? तो यस रहता तो टेंशन मत लो, यहाँ पे उसका अमाउंट भी दिया हुआ रहता, ठीक है। इसमें टेंडर वैल्यू नहीं है, कहीं पर दिख रहा है टेंडर वैल्यू? ये टेंडर कितने का है? नहीं दिख रहा है, वो बायर ने नहीं शो किया है टेंडर वैल्यू जनरली, नहीं तो 0.5 to 5% होता है। ये आपसे कैसे मांग सकता है? बीजी के रूप में मांग सकता है, नहीं तो डीडी के रूप में। ये दो तरीके से ही पेमेंट करना होता है जेएमपी। जेएमपी कोई ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं रहता। ईएमडी आपको कैसा पेमेंट करना है? या तो बीजी या तो डीडी। जनरली बीजी हर टेंडर में मिलेगा, पर डीडी टेंडर में बोला तो डीडी एक्सेप्ट होगा। यदि टेंडर में डीडी का नहीं है तो डीडी आप नहीं दे सकते, सिर्फ आपको बीजी से ही ईएमडी भरना पड़ेगा। अब बीजी कैसे बनता है? बीजी मतलब बैंक गारंटी, तो आपको ये बैंक से मिलेगा। बैंक आपको एक गारंटी के तौर पर लेटर देगा। इसके लिए आप अलग अलग तरीके से दे सकते हो। यदि आपकी कंपनी बड़ी है तो आपको एक ये मिलता है, क्या बोलते हैं, क्रेडिट लिमिट मिलता है, तो क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट मिलता है। जैसे कि मेरी कंपनी विद प्रोप्राइटरशिप है, तो हमारे टर्नओवर है सीसी लिमिट। हाँ, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, ऐसे हमारे लिए कंपनी जो लोग बिजनेस करते हैं, हमको बैंक हमको ऐसा एक सीसी देती है जो इतना का हम क्रेडिट ले सकते हैं, तो उसके बेस पे आपको बीजी मिल सकता है। अदरवाइज आपको एक एफडी बना दो और उस एफडीआर के बेस पे आप बीजी निकाल सकते हो। तो ऐसे अलग अलग प्रोसेस है, तो आप ये बीजी बैंक में जाके पता कर सकते हो। कैलाश सर बोलिए। ईपीबीजी और बीजी दोनों सेम कंटेंट है? सेम सेम। उसको ईपीबीजी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी। हाँ, लेकिन ये जो बैंक गारंटी है तो वो मैन्युअली निकालनी पड़ती है, और ईपीबीजी ये आपको लेटर के थ्रू से मिलता है। इसमें आपको खाली एक नंबर मिल जाता है, वो नंबर से ही आपका काम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है दोनों। आजकल जनरली बैंक गारंटी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ही हो चुके हैं, अलग से आपको कुछ। ये आपको टेंडर मिला तो देना पड़ेगा, ये टेंडर से पहले देना पड़ता है। इसमें नो है, यस रहता तो टेंडर भरते वक्त देना पड़ता है ईएमडी। और ईपीबीजी टेंडर मिला तो देना पड़ेगा। हाँ वही है, एसडी बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पे ईपीबीजी भी इसको नहीं है। बोलो अभी यहां तक कुछ डाउट्स? ये दो पॉइंट में किसी को कोई डाउट्स है तो पूछो। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग अलाउड नहीं है। स्प्लिट हो सकता है, टेंडर स्प्लिट कब होगा? टेंडर स्प्लिट होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जनरली हम लोग एक कॉमन रीजन की बात करते हैं, हमने अभी तक स्प्लिट टेंडर देखे नहीं है। टेंडर मैंने स्प्लिट खाली कोविड के टाइम पे देखा था, मास्क का टेंडर को, बाद में स्प्लिट का टेंडर नहीं देखा। पर टेंडर स्प्लिट हो सकता है ऐसे टाइम पे, जैसे कि मास्क के टाइम पे क्यों हुआ था स्प्लिट, मैं आपको वो बता देता हूँ। अभी मास्क की शॉर्टेज थी बहुत, और नासिक का एक टेंडर था मेडिकल कॉलेज का, उनको 5 करोड़ मास्क का ऑर्डर आया टोटल, है ना। अभी उनको पता था कि 5 करोड़ मास्क कोई भी पार्टी अभी आज के डेट में नहीं दे सकता। ये 5 करोड़ मास्क को उसने क्या किया, टेंडर को बोला स्प्लिट करवा देता हूँ। टेंडर एक ही निकला 5 करोड़ का, पर बोला यदि आपके पास 10 लाख भी मास्क आप दे सकते हो तो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब आप यदि 10 लाख मास्क देने के लिए रेडी हो तो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर। तो अभी टेंडर क्या हो सकता है, अलग अलग लोगों को मिल सकता है। आप 10 लाख दे रहे हो, कोई 50 लाख दे रहा है, कोई 1 करोड़ दे रहा है, तो टेंडर जो L1, L2, L3 होगा ऐसे उसको अपने रेट पे अपने अकॉर्डिंगली टेंडर मिल जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में और समझाता हूँ। पर जनरली आज के डेट में टेंडर स्प्लिट नहीं होता है, पर हो सकता है। कैसा? मान लीजिए 100 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है, और इसने बायर ने डाला कि मिनिमम क्वांटिटी 20, बोला 20 क्वांटिटी के साथ आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको चाहिए 100 क्वांटिटी। अभी मान लीजिए L1 जो है, लोएस्ट वन जो डाला था, उसने डाला कि मैं 50 क्वांटिटी दे सकता हूँ, पर 50 क्वांटिटी के लिए मेरा रेट रहेगा 1000 रुपया, ऐसा उसने रेट डाल दिया। L2 ने अपना रेट कोट किया, वो बोला मैं, बोला 20 क्वांटिटी, तो बोला मैं 20 क्वांटिटी दे सकता हूँ, उसने 20 क्वांटिटी के लिए कोट किया, पर उसने रेट डाला 1100 रुपया। और L3 ने डाला, लोएस्ट 3 ने जो था उसने डाला कि मैं 100 क्वांटिटी भी दे सकता हूँ, पर उसका रेट आया
1200 रुपया। तो अब ये टेंडर किसको मिलेगा, L1 को 50 क्वांटिटी का मिलेगा, L2 को 20 क्वांटिटी का मिल गया, 70 क्वांटिटी हो गया, और L3 को 100 क्वांटिटी नहीं मिलेगा, L3 को 30 क्वांटिटी का ऑर्डर मिलेगा 1200 रुपये का। तो टेंडर क्या हो गया, तीन लोगों को मिल गया, L1 को थोड़ा मिला, L2 को थोड़ा मिला और L3 को थोड़ा मिला। तो टेंडर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया, इसी को हम लोग स्प्लिट को। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। तो जनरली ये क्लॉज आपको नॉट अप्लाइड ही मिलेगा, पर हो सकता है। सर ये ईपीबीजी डिटेल एक बार दोबारा बताइए। ईपीबीजी आपको मैडम टेंडर मिला तो देना पड़ेगा, नहीं मिला तो नहीं देना पड़ता है। और ईएमडी टेंडर भरते वक्त ही देना पड़ता है, यदि यहाँ पे यस रहा तो। अब ये टेंडर में दोनों नो है, ये टेंडर भरने के लिए आपको ईएमडी भी नहीं देना है और बैंक गारंटी भी नहीं देना है। क्लियर है मैडम, मतलब ईपीबीजी बैंक की गारंटी है ना, दोनों बैंक गारंटी के फॉर्म में ही देना पड़ता है। बैंक गारंटी है, ये एक फॉर्म है बैंक गारंटी। ईपीबीजी यहाँ पे एक्चुअली एसडी है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल सकते हैं। ठीक, ये आपको फाइनल बिल जब होगा ना उस टाइम पे ये पैसा आपको रिलीज हो जाएगा। ओके, ये सॉरी ईपीबीजी फाइनल बिल के टाइम पे नहीं होता, ईएमडी यदि टेंडर मिला आपको तो ये फाइनल बिल के टाइम पे ये पैसा रिलीज हो जाता है। ईपीबीजी आपका जो इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल सकते हो एसडी, तो ये पैसा आपको कब रिलीज होगा, इसका कुछ एक पीरियड रहता है। मान लो एलईडी लाइट का ये टेंडर है और इसको एलईडी लाइट का 2 साल का वारंटी है, तो 2 साल का मेंटेनेंस कौन करेगा, वारंटी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको करना है। तो इस टाइम पे सर प्लीज म्यूट कीजिए। अच्छा, तो ये आपको क्या करेगा, वो यहाँ पे लिख देगा यह ईपीबीजी का वैलिडिटी कितना होना चाहिए, 24 मंथ का है तो 26 मंथ का कर देगा, 2 महीना एक्स्ट्रा कर देता है वो, 1-2 महीना, तो 26 मंथ के लिए आपको बैंक गारंटी रिजर्व हो जाएगा। आफ्टर 26 मंथ के बाद वो पैसा आपको मिलेगा, तब तक ये पैसा आपका ब्लॉक रहेगा। ठीक है सर, और ये मतलब वो परसेंटेज बता देते हैं कि ये आप हाँ, कितनी परसेंटेज पड़ेगी? हाँ, इसमें परसेंटेज बता देंगे कितना रहेगा, अमाउंट के साथ भी आ जाएगा। ठीक है सिंह सर बोलिए। सर टेंडर कैंसिल भी जाता है क्या कई बार, हो सकता है ना, वो तो बायर के हाथ में। जी सर। सुकंत सर सर अभी जैसा अभी एक्सेल शीट पर खोलिए ना सर, अभी इसमें जैसे है वो 1000 रुपीज 1100-1200 रुपया जो है वो हाँ। क्या ओनली इसका पर पीसेस में है क्या, इसमें 50 के लिए 1000 रुपीज? हाँ, 50 के लिए 1000 रुपीज के हिसाब से L1 को मिलेगा, L2 को 20 क्वांटिटी के लिए 1100 रुपए के रेट से मिलेगा, L3 को 30 क्वांटिटी के लिए 1200 रुपए रेट से मिलेगा। पर यदि बायर हाँ बोलिए बोलिए हाँ बायर यदि चाहे तो इसके साथ वो L2 और L3 के साथ नेगोशिएट भी कर सकता है, उसको L1 के रेट में भी हाँ नेगोशिएट करवा सकता है। नेगोशिएट का ऑप्शन रहता है, वो चाहे तो नेगोशिएट करवा सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ सर, इसमें जैसे अभी 50 हो गया तो 200 करके आ गया सर, 50 हो गया तो 20 करके आ गया, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 रुपीस पर इसमें आ गया सर, पर पीस 50 रुपीस, हाँ 50 रुपीस 100 रुपीस के हिसाब से 50 क्वांटिटी, मतलब इसको टोटल ऑर्डर मिलेगा 50 क्वांटिटी, हाँ टोटल 100 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है ना बायर, 50 इससे लेगा, 20 इससे लेगा और इससे 30 लेगा। ये सर, अगर पार्ट पीस में जो कम होगा उसको नहीं देगा, ऐसे कोई चाहिए नहीं है स्प्लिटिंग के। क्या पार्ट पीसेस में जैसा अभी 20 रुपीस हो रहा है पहले हाँ। वाला L1 में हाँ। अच्छा अभी L2 में क्या होगा 25 ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो ऐसे कोई ये नहीं है जब मतलब वो तो कोर्ट किया है ना, L1 ने बोला है जो मुझे मैं 50 क्वांटिटी दे सकता हूँ, इसलिए उससे को 50 का गया ना, L1 ही बोलता है मैं 100 क्वांटिटी दे सकता हूँ, तो L2 L3 को टेंडर ही नहीं मिलता, डायरेक्ट L1 को टेंडर मिल जाता। सर वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अगर L1 50 दे रहा है सर हाँ। तो जैसा कि 20 रुपए में दे रहा है सपोज हाँ। अभी L2 और L3 जो है ये देखते हुए कर रहा है टोटल जो 1000 वो कैसे देखेगा, टेंडर सर टेंडर पहले भरते है ना, उसके बाद खुलेगा तो रेट पता चलेगा ना सबको। हाँ, वो तो पता चलेगा सर, क्वांटिटी में भी डिफरेंस है ना सर, इसलिए तो अमाउंट में भी L1 L2 तो आ ही जाएगा हाँ, नहीं 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 यहाँ पे क्वांटिटी के साथ रेट का आएगा खाली, ये जो रेट डाल रहा है इसके साथ L1 L2 होगा, टोटल वैल्यू के साथ L1 L2 नहीं होगा। ओके ओके
ये रेट में L1 L2 होगा, ये टोटल अमाउंट के साथ L1 L2 L3 कैसे होगा? क्वांटिटी भी तो डिफरेंस है सर। हाँ तो इसीलिए बोला ना रेट में आपका L1 L2 होगा ना। यहाँ पे देखो एक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, मेक इन इंडिया परचेज प्रिफरेंस, मेक MII, इसको क्या बोलते हैं मेक इन इंडिया। अभी तक हम लोगों ने मेक इन इंडिया को हमेशा स्किप किया, मेक इन इंडिया परचेज प्रिफरेंस क्या बोला है नो, तो इसमें कोई भी प्रोडक्ट के साथ टेंडर भर सकते हो, पर यहाँ पे यदि यस लिखता तो आप कोई भी प्रोडक्ट के साथ टेंडर नहीं भर सकते। यहाँ पे परसेंटेज लिखा रहता, कितना परसेंट मेक इन इंडिया चाहिए। अभी एलईडी ये किस कैटेगरी में टेंडर है, एलईडी स्ट्रीट लाइट, मान लो मेक इन इंडिया का क्लॉज दिया हुआ है, टेंडर में मेक इन इंडिया का क्लॉज दिया हुआ है, टेंडर में वो क्या बोला एलईडी स्ट्रीट लाइट मेक इन इंडिया चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए 60% मेक इन इंडिया चाहिए, ऐसा उसने क्लॉज डाल दिया। तो आप अभी इस यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के साथ टेंडर नहीं भर सकते। अभी देखो आप कौन से प्रोडक्ट के साथ टेंडर भर सकते हो, जिस प्रोडक्ट में मेक इन इंडिया का परसेंटेज डाला हुआ है उसके साथ ही टेंडर भर सकते हो। अभी ये किस कैटेगरी में, एलईडी स्ट्रीट लाइट की कैटेगरी, इस कैटेगरी में प्रोडक्ट लेना है, और आप हर एक टेंडर के साथ भर नहीं सकते। अभी मुझे मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है, तो क्या मैं इस प्रोडक्ट के साथ ये वाला टेंडर भर पाऊंगा यदि मेक इन इंडिया 60% लिखा हुआ रहता तो, इसमें मेक इन इंडिया 100% है तो मैं इस प्रोडक्ट के साथ टेंडर भर सकता था, पर सेम दूसरा प्रोडक्ट लेता हूं मैं कोई, ये वाला ले लेता हूं। अभी इस प्रोडक्ट के साथ देखते हैं क्या मैं इस प्रोडक्ट के साथ टेंडर भर पाऊंगा, इस प्रोडक्ट के साथ मैं टेंडर नहीं भर पाऊंगा क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया डिक्लेयर नहीं है, या 100% से यदि कम हुआ तो भी इस प्रोडक्ट के साथ टेंडर नहीं भर पाऊंगा। तो जब आप प्रोडक्ट ये टेंडर भर रहे हो और इस प्रोडक्ट को यदि आप पेयर कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट को ये टेंडर भरते वक्त या नया डाल रहे हो, याद रखो जितना मेक इन इंडिया बोला है उतना मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए। यस बोला तो और नो बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी के साथ टेंडर भर सकते हो। अभी मेक इन इंडिया होता क्या है ये भी सब, मेक इन इंडिया मतलब क्या, मेक इन इंडिया में तीन पार्ट होते हैं, क्लास वन लोकल सप्लायर, क्लास टू लोकल सप्लायर, और एक होता है नॉन लोकल सप्लायर। ऐसे तीन पार्ट होंगे मेक इन इंडिया में, है ना, मेक इन इंडिया में टोटल तीन पार्ट हो जाएंगे। ये हो गया मेक इन इंडिया। पहला पार्ट मैं क्या बोल रहा है, यदि आपका प्रोडक्ट क्लास वन में कौन सा प्रोडक्ट आएगा इसके 50% से ज्यादा मेक इन इंडिया के तहत, इसमें मान लो रॉ मटेरियल लग रहा है कोई भी प्रोडक्ट, अभी एलईडी स्ट्रीट लाइट ले लेता हूँ, एलईडी स्ट्रीट लाइट का प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ओईएम से, ओईएम देगा, आप नहीं बना सकते, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उससे लेना पड़ेगा। अब इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लग रहा है, तो एलईडी लग रहा है, एलईडी लग रहा है, और क्या लग रहा है, फाइबर लग रहा है, माउंट लग रहा है, चलो और भी स्टील लग रहा है, वायर लग रहा है, ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं, ठीक है, ऐसा अभी जो जो आइटम लग रहा है उसका परसेंटेज निकाला जाएगा, हर एक प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है उसके हिसाब से इसका परसेंटेज निकाले जाएंगे, और इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, इसमें से मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यू इंडिया में 50% से ज्यादा होना चाहिए तो ये क्लास वन लोकल सप्लायर होगा, ये प्रोडक्ट क्लास वन लोकल सप्लायर के अंदर आएगा। यदि प्रोडक्ट का वैल्यू 50% से कम और ग्रेटर देन 20% हुआ तो ये क्लास टू में आएगा, और यदि लेस देन 20% हुआ तो ये नॉन लोकल सप्लायर माना जाएगा, मतलब ये मेक इन इंडिया के तहत माना ही नहीं जाएगा। पर आप जब टेंडर पे पेयर करते हो तब वहां पे कोई भी परसेंटेज डाल दो, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा, पर यदि टेंडर में ऐसा कोई क्लॉज आया कि मेक इन इंडिया यस है तो यहाँ पे आपको
मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा, यस लिखा रहा तो, नो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रोशनी मैडम बोलिए। रोशनी मैडम सर आप स्क्रीन बैक ले सकते हैं? कौन सा मैडम बोलिए ना, कहाँ पे? जो जेम का जो स्क्रीन, ये मेक इन इंडिया मिनिमम कितना परसेंट चाहिए? ये तो बायर प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट अपन जब अपलोड करते हैं कैटलॉग अपलोड करते हैं तो कैटलॉग अपलोड करते तो उसमें ये लोकल कंटेंट का एक पॉइंट आता है कि आप लोकल कंटेंट कितना यूज करते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल हमारा जो है वो 90% हम लोग लोकल जो कंटेंट यूज करते हैं तो फिर वो मेक इन इंडिया में हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ ना, 90% आप यूज कर रहे हो ना, रॉ मटेरियल इंडिया का ही, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, तो आपका वो 90% हो गया ना मेक इन इंडिया। तो मुझे हर प्रोडक्ट जब अपन डालूंगी तो मुझे मेक इन इंडिया पे क्लिक करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है? बराबर। एक्चुअली मैंने कभी करती ही नहीं थी, वो डायरेक्ट नहीं। आप उससे आपको प्रॉब्लम, हाँ उसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, यदि कोई टेंडर आ गया मेक इन इंडिया के तहत का तो आप वो टेंडर नहीं भर पाएंगे। इसीलिए जो मैं टेंडर भरती हूँ ना तो वो मेरा प्रोडक्ट सर्च ही नहीं करता है। हाँ, तो आप वो टेंडर यहाँ पे फिर नहीं भर पाएंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। चंद्रेश सर बोलिए। सर जो मेक इन इंडिया का आपने बताया, अगर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं मटेरियल और यहाँ उसको रिपैक करते हैं तो वो मेक इन इंडिया बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। आप प्रोडक्ट, मैंने आपको क्या बोला, उसके रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना चाहिए, उसमें लगने वाले जो रॉ मटेरियल है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए। मतलब बल्क पैकिंग में हम लोग मंगाते हैं, जैसे 1000 kg का वो एक आता है उसके अंदर से बाद में हम लोग 20 kg उसको रिपैक करते हैं तो मेक इन इंडिया नहीं बोला जाएगा? नहीं सर बोला जाएगा ना सर, आप उसका मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे हो ना, आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगा रहे हो ना। आपका उसके अंदर लगने वाले रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो वायर की बात कर रहा हूँ मैं, वायर बाहर से मंगा रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ और उसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्ट कैसे मेक इन इंडिया होगा? मैं इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लग रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल लग रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना चाहिए। हाँ, अभी वायर के लिए जो प्लास्टिक यूज होता है वो मान लो बाहर से हम लोग इंपोर्ट करता है जो वायर बना रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर जब मैं वायर खरीद रहा हूँ तो वायर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होना चाहिए। ओके प्रवीण सर। सर बायर को मेक इन इंडिया की प्रेफरेंस मिलती है, क्या मिलता है? मतलब देखो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंडर रहा तो उसको मेक इन इंडिया का क्लॉज देना ही है, मैक्सिमम टेंडर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास मेक इन इंडिया को तो प्रेफरेंस देना चाहिए ना, देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया है, उनको देना ही पड़ेगा। और नहीं दिया तो उनको लेटर देना पड़ेगा जो आप क्यों नहीं दे रहे, स्टेट गवर्नमेंट के लिए खुला छोड़ दिया है, आपकी मर्जी, आप देना है तो दो नहीं तो मत। सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंडर ले लो, आपको मेक इन इंडिया परचेस प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, 90% टेंडर। हाँ एग्जैक्टली। भूषण सर मतलब रीसेलर को इसका सर्टिफिकेशन नहीं लगेगा? लगेगा ना, कौन बोला, मैंने कब बोला नहीं लगेगा, टेंडर में लिखा रहा तो लगेगा। यस बोला तो लगेगा, वो सर्टिफिकेट आपको मैन्युफैक्चरर से लेना पड़ेगा। ओके मतलब जो मैन्युफैक्चरर जो सर्टिफिकेशन देगा वो भी चलेगा? हाँ वो वही चलेगा ना। हाँ। आप खुद नहीं बना सकते ना। हाँ। आपको कैसे पता इसके अंदर रॉ मटेरियल क्या क्या है और वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है? हाँ पर सर अगर मेरा असेंबलिंग है मतलब अगर कभी कभी क्वांटिटी बैठता नहीं तो मैं उनसे ना पार्ट मंगा लेता हूँ और यहाँ पे असेंबल करता हूँ तो उसके इशू उसके हिसाब से मैं दे सकता हूँ क्या? क्या नहीं, नहीं दे ना, सकते सर, नहीं दे सकते ना आप, वो असेंबल जो आप पार्ट्स मंगा रहे हो वो कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडिया में होता है या इंडिया के बाहर? मेक इन इंडिया। हाँ तो फिर मेक इन इंडिया में फिर चलेगा ना, फिर आपका प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के तहत रहेगा। मतलब मैं दे सकता हूँ क्या फिर? नहीं आप नहीं दे सकते, ब्रांड किनका है, कंपनी किसका है? हाँ हाँ वो जो कंपनी का आप प्रोडक्ट दे रहे हो उनसे लेना पड़ेगा। ओके ओके सर थैंक यू। रोशनी मैडम जैसे ये सर्टिफिकेट में हम लोग BIS भी दे सकते हैं ना? हाँ BIS भी दे सकते, वो भी चलेगा। चंद्रेश
एमएसएमई परचेज पे। अभी देखो एमएसएमई में, एमएसएमई मतलब उद्यम, अभी उद्यम के बेनिफिट्स देखो। यहाँ पे बोला है एमएसएमई को पहला प्रायोरिटी मिलेगा। यहाँ पे दो पार्ट हो सकते हैं, एक प्रिफरेंस हो सकता है और एक रिजर्व्ड हो सकता है। यदि यहाँ पे रिजर्व्ड लिख दिया तो टेंडर में यहाँ पे रिजर्व्ड लिखा रहा, रिजर्व्ड यस लिखा, तो ये टेंडर रीसेलर वाले भर ही नहीं सकते। जो लोग रीसेलर है वो लोग ये टेंडर नहीं भर सकते, क्योंकि वो जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट है वो ट्रेडर के लिए है ही नहीं, प्रोडक्ट के लिए, वो सिर्फ ओईएम के लिए बनता है। ठीक है, तो रीसेलर इस टेंडर में भर ही नहीं सकते यदि यहाँ पे रिजर्व्ड कर दिया गया तो। रिजर्व्ड में यहाँ लिखा रहता रिजर्व्ड और यस लिखा रहता तो ये टेंडर रीसेलर वाले यहीं से भूल जाओ, ये टेंडर आप भरने का छोड़ दो। ये टेंडर सिर्फ ओईएम वाले ही भर पाएंगे, जिनका ओईएम पैनल है जेम पे वही लोग ये टेंडर भर पाएंगे, बाकी लोग नहीं भर पाएंगे। प्रिफरेंस बोला तो भर सकते हो, यस बोला है ये दोनों भर सकता है, रीसेलर भी भर सकता है पर ओईएम भी भर सकता है। पर ओईएम को बेनिफिट मिलेगा, ओईएम को क्या बेनिफिट मिलेगा, L1 प्लस 15% का बेनिफिट मिलेगा। अभी समझते हैं क्या होता है। अभी एक टेंडर है, ए ने भरा, बी ने भरा, सी ने भरा, डी ने भरा, ई ने भरा और एफ ने भरा। मान हर एक का मैं रेट डाल देता हूँ, 100, 110, 120, 130, 150, 180। अभी मान लीजिए टेंडर में बोला मेक इन इंडिया को एमएसएमई का परचेस प्रिफरेंस यस बोल दिया, और परसेंटेज कितना बोला, L1 प्लस कितना परसेंट बोला, 15%। अब ये टेंडर कैसा रहेगा देखो, अब ये टेंडर पहला ए का, ए को, ए के पास मान लो एमएसएमई नहीं है, ए नॉन एमएसएमई वाला है, बी के पास भी नहीं है, डी के पास एमएसएमई है और ई के पास नहीं है एमएसई है, ये दो के पास एमएसएमई है, ये लोग के पास। अब ये टेंडर किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। देखते हैं शायद मिले, 15% इसमें ऐड कर दो, इसको 15% ऐड कर दिया है, हाँ मिल सकता है, बराबर है। अब इसको इसके साथ 1.15 ऐड कर दो, 115 रुपया। अभी मान लो ठीक है ऐसे कंडीशन में ए को मिल जाएगा, पर यदि यहाँ पे बी के पास एमएसएमई होता तो अब ये टेंडर किसको मिलता, ए के पास एमएसएमई नहीं, हाँ बी को मिल जाएगा 110 रुपया के रेट पे, क्योंकि इसका रेट अभी 100 रुपया नहीं रहा, इसका रेट क्या हो गया, 115 रुपया, क्योंकि ये नॉन एमएसएमई वाले। समझ में आया एमएसएमई के क्लॉज, 15% क्यों लिया, क्योंकि ये टेंडर में लिखा है मैडम, देखो L1 प्लस 15%। क्लियर है, कोई डाउट्स है, नहीं समझ में आया, हां ये समझ में आया, ये एमएसएमई को ये बेनिफिट मिलता है, L1 के साथ 15% ऐड हो जाएगा, ये एमएसएमई को बेनिफिट है। जिनके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, यार एमएसएमई सिर्फ मैन्युफैक्चरर हो सकता है, रीसेलर नहीं हो सकता, तो ये जो लोग ओईएम है उनको ये बेनिफिट मिलता है कि जो L1 है, L1 के पास यदि एमएसएमई नहीं है तो उसके साथ 15% इसमें ऐड हो जाएगा। इसका रेट 100 रुपया डालने के बाद भी इसका रेट कितना हो गया, 115 रुपये, मतलब जिसके पास में एमएसएमई का लाइसेंस नहीं है, हाँ उनका रेट 15% से बढ़ जाए, जिसके पास है उनका रेट जो उन्होंने बोला है वही रहेगा, वो रहेगा। मलिक सर बोलिए। सर सपोज कोई एक या दो जो रहते हैं, हाँ। दो सपोज दो या तीन पैसे का कस्टमर का हो गया सेम 100, उसमें वो किसको देंगे, फिर दोनों को बुला के दोनों को बार्गेनिंग करने के लिए उतार सकते हैं बायर, या फिर बायर दोनों के बीच में लॉटरी निकाल सकता है, चिट्ठी निकालना पता है क्या, हाँ चिट निकालते हैं, हाँ निकलेगा सेम रेट वो बायर के ऊपर है, बायर कैसा करेगा, या तो बायर दोनों को बुलाएगा, दोनों को बार्गेनिंग करने लगाएगा, कौन कम में देगा और बताओ, या बायर दोनों के नाम से चिट्ठी निकाल देगा, जिसके नाम से निकलेगा उसको टेंडर दे देगा। सर मैं रीसेलर हूँ ना,
और मैंने एमएससी में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? और सर्टिफिकेट भी मेरे पास। आपने सर्विस प्रोवाइडर के लिए निकाला है, प्रोडक्ट के लिए नहीं। प्रोडक्ट में साफ साफ उसमें मैन्युफैक्चरिंग लिखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिखा होगा। हाँ, कुछ सर्विस ट्रेडिंग निकाला है। रीसेलर को जनरली एंट्री नहीं है यहाँ पे, मैंने एमएसएमई के लिए रीसेलर को एंट्री नहीं है, ये सिर्फ ओईएम और सर। अभी सर्टिफिकेट आपको रीसेलर के लिए नहीं किया है, आपको सर्टिफिकेट जो इशू किया है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया। आप यहाँ पे टेंडर भर रहे हो प्रोडक्ट सप्लाई करने का, तो आपको कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गया एमएसएमई और स्टार्टअप मेक इन इंडिया का बेनिफिट, और उसके जो भी क्लॉजेस थे वो मैंने आपको समझाया। आगे चलते, ये इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन जो होगा उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिख के दे दिया है। इंस्पेक्शन कैसा होगा, क्या रिजेक्ट हो सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। शायद यहाँ पे कौन कौन पार्टी होगा उनका नाम भी लिख के दे सकता है। दिया है क्या कोई पार्टी का नाम, किससे इंस्पेक्शन करवाना है? नहीं दिया, नहीं तो इंस्पेक्शन यहाँ पे करिए, पार्टी का नाम भी दे, इस कौन कौन पार्टी से आप करवा सकते हो। अभी यहाँ पे बोल रहा है एलईडी स्ट्रीट लाइट का टेंडर है, 160 पीस का टेंडर है, ये कोई भी रजिस्टर्ड ब्रांड चल जाएगा, कोई भी रजिस्टर्ड ब्रांड चल जाएगा आप किसी के साथ। यहाँ पे बायर कभी भी कोई भी ब्रांड का नाम नहीं बोल सकता, क्योंकि बायर कभी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकता। सिर्फ बायर बोल सकता है मुझे ये भी प्रोडक्ट चाहिए, बस इतना ही बायर बोल सकता। सर ओईएम पे रजिस्टर्ड ओईएम पे रजिस्टर्ड ब्रांड ना, ओईएम का रजिस्टर्ड नहीं बोला। तो जेम का जो रजिस्टर्ड ब्रांड है वो, हाँ कोई भी रहा, जेम पे जो रजिस्टर्ड है बराबर। रोशनी मैडम, तो भी आपके पास दोनों चलेगा, रजिस्टर्ड ब्रांड भी दे सकते हो और अनब्रांडेड का भी प्रोडक्ट दे सकते हो। इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, तो क्या बोल रहा है ये, ड्राइवर इफिशियंसी, ये अप टू 100 वाट 85% होना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है इसके पूरे स्पेसिफिकेशन दे दिए। अभी एलईडी रेटिंग, इसको 25 भी चलेगा, 30 भी चलेगा, 36 भी चलेगा, 45 भी चलेगा, 60 भी चलेगा, इसमें से कोई भी चलेगा। पर इसमें से जब आप ड्राइवर इफिशियंसी की बात करेंगे, इसमें आपको यही वाला प्रोडक्ट देना पड़ेगा। तो जैसा स्पेसिफिकेशन बोला है सेम स्पेसिफिकेशन का आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा, तो ही आप ये टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है कलर टेम्परेचर इसने कितना बोला है, या छोड़ देता हूँ, दूसरा एक अच्छा वाला लेता हूँ। वारंटी इसने क्या बोला है, मुझे 5 साल वाला चाहिए। यदि आपका प्रोडक्ट का वारंटी 6 साल है, तो आप इस प्रोडक्ट के, अपने प्रोडक्ट के साथ इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि बायर को 5 साल ही चाहिए। यदि आपका प्रोडक्ट का वारंटी 3 साल है, तो भी आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको बायर यदि 5 साल बोला है, तो आपका प्रोडक्ट का वारंटी 5 साल ही होना चाहिए, तो ही आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसा हर एक आपको स्पेसिफिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। ये इंस्पेक्शन है, बाकी कहाँ पे चाहिए रिपोर्ट एलईडी मैक का, बिड अलाउड बिलो। अभी बायर ने अपना ब्रांड ऐसा दे दिया है, इसमें से कोई भी ब्रांड उसने दिया है, इतने सारे ब्रांड दिया है, एक्चुअली इसने अलग से स्पेसिफिकेशन में दिया है, तो इतने से कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट दे सकते। देखो एक्चुअली ये टेंडर उसने गलत निकाला है, ऐसा नहीं निकाला चाहिए। ओनली 25 विल बी एक्सेप्टेड, इसने अलग से लिख दिया है, पर यहाँ पे उसने बोला मुझे कोई भी चलेगा, और इसने यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुझे खाली 25 ही लगेगा। तो बायर को यहीं पर 25 लिखना चाहिए। एक्चुअली ये जो टेंडर निकाला है ना, जिसने टेंडर निकाला है उसको टेंडर निकालने को समझा नहीं, वो टेंडर प्रॉपर नहीं निकाल पाया, इसके वजह से उसको ये दिक्कत आया है। नहीं तो यहाँ पे 25 ही लिखा हुआ आता था, वो टेंडर प्रॉपर नहीं निकाल पाया, इसलिए यहाँ पे उसने लिख दिया 25। तो अभी ऐसा मत करो, 25 के साथ ही दो, पर ये गलत क्लॉज, ऐसा नहीं करना चाहिए बायर को। बस बायर को पता नहीं था, इसके वजह से इसने ऐसा टेंडर निकाला। ये एड्रेस है कहाँ पे चाहिए, ईस्टर्न रेलवे हावड़ा में चाहिए, 160 क्वांटिटी।
आपको ऑर्डर मिलने के बाद 15 दिन के अंदर डिलीवरी करना पड़ेगा। कौन आपका ऑर्डर चेक करेगा, रिसीव करेगा, या रिसीव कौन करेगा? तो वेदन मुखर्जी बोल के है कोई, जो कंसाइनी ऑफिसर है, वो आपका प्रोडक्ट को रिसीव करेगा। और ये आपका ATC, ये मैंने आप लोगों को कल समझाया था। बस इस टेंडर में इतना ही है। बोलो अभी पूरे टेंडर में बताओ, किसी को कोई भी डाउट्स है तो बताओ। रोशनी मैडम, रोशनी मैडम सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। कहाँ पे मैडम? नीचे लास्ट। हाँ एक मिनट, हाँ ये जो वारंटी है जैसे हमारे नॉर्मली प्रोडक्ट पे हम लोग एग्जांपल में देते कि 2 साल की वारंटी हमने कैटलॉग अपलोड करने के टाइम डाले, अगर हम टेंडर के टाइम हम लोग चेंज कर सकते हैं कि हम 5 साल की वारंटी सकते हैं? नहीं मैडम, आपको नया प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ेगा 5 साल के साथ। अच्छा नया प्रोडक्ट अपलोड करके 5 साल डलवा दो तो फिर एक्सेप्ट हो जाएगा ना? हाँ फिर टेंडर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बट हमने जब OEM कराया था तो उसमें तो लिखा था कि 2 ही साल की वारंटी। नहीं फिर वो प्रोडक्ट के साथ आप टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं कर सकते हम लोग, चेंज नहीं कर सकते। और नहीं सुकांत सर, सुकांत सर बोलिए। सुभाष सर बोलिए। सुभाष सर, सुभाष सर, सुभाष सर। हाँ सर मैं बोलूँ क्या? सुभाष, हाँ बोलिए ना, बोलिए ना सर। ये जो 15% वाला आपने बताया MSME का जो बताया, हाँ, कि हाँ, प्राइसेस 15% तक ज्यादा हैं, हाँ, तो ऑर्डर देना पड़ेगा MSME को, बराबर। लेकिन सर इसमें कभी ऐसा हुआ नहीं, जितने भी लोग हैं जब 15% हमारी प्राइस मान लीजिए मैक्सिमम 15% तक ज्यादा होती है, हाँ, तो वो हमसे नेगोशिएट करते हैं कि आप फर्स्ट लोएस्ट प्राइस जो है उसमें आप देंगे। सर, सर 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 मैं आपको ऐसा बोला कि बायर के पास ये ऑथोरिटी है कि आपको वो बार्गेनिंग कर सकता है, नेगोशिएट बोलते। नहीं सर, अगर अगर MSME एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको 15% ज्यादा दे के लेना होगा, हाँ, then we can fight. हाँ, है ना MSME वो एक्ट ही है ना ऐसा? सर MSME एक्ट में ये है कि 15%, हाँ, हाँ, नहीं नहीं आपको 15% ऐसा, हाँ लिखा है ना, ये तो बेनिफिट है ना MSME का। अच्छा। ये 15% नहीं, ये 25% तक हो सकता है, ये बायर के पास है, मिनिमम 15 मैक्सिमम 25 तक दे सकता है वो। लेकिन सर ये तो उसमें ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू एग्रीइंग टू द फर्स्ट लोएस्ट प्राइस। हाँ वही बोला, ये बायर के रूल के अकॉर्डिंगली है, बायर कैसा क्लॉजेस डालता है, पर ये MSME को ये बेनिफिट मिलेगा, ये बायर चाहे तो दे सकता है, ये रूल है, ये ऑप्शन है सर बायर का, बायर के पास ऑप्शन होता है, वो जो चाहेगा उसके अकॉर्डिंगली कर सकता है। पर ये MSME को बेनिफिट मिलता है, ये आज का नहीं है क्लॉज, ये कम से कम 7-8 रीकन्फर्म कर दें सर इसको कि इसको सर ये अभी से नहीं है, ये पहले भी चलता था, जेम से पहले भी, ई प्रोक्योरमेंट में भी ये चलता है। यदि आप लोग पहले भी टेंडर भरते थे, जो लोग पुराने कॉन्ट्रैक्टर पुराने सप्लायर है उन लोगों ने कभी टेंडर भरा होगा ई प्रोक्योरमेंट में, तो ई प्रोक्योरमेंट में भी ये क्लॉज था पहले से, ये आज का क्लॉज नहीं है। लेकिन सर बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लोग ये भी आगे लिखा हुआ है कि इट इज सब्जेक्ट टू एग्रीइंग टू द फर्स्ट लोएस्ट प्राइस। हाँ बराबर है ना, वो बायर क्या करेगा, बायर क्यों ज्यादा रेट में आपसे लेगा, वो आपसे बार्गेनिंग करना चाहेगा, आपको बुलाएगा और आपसे बार्गेनिंग करेगा, यदि आप रेट नहीं कम कर रहे हो तो ये L3 के पास भी जा सकता है, ये बायर के ऑप्शन है। पर ये क्लॉज है कि वो आपको देना, यदि किसी ने एग्री नहीं किया तो फिर आपको ऑर्डर आपको देना पड़ेगा, ऐसा है, नहीं एग्री किया तो। लेकिन तो सर मान लीजिए फर्स्ट लोएस्ट 100 रुपए का प्राइस है, हाँ, हाँ, और हम MSME है और 112 रुपए का मेरा प्राइस, हाँ, है, हाँ, हाँ, तो बायर 112 रुपए में ऑर्डर कहाँ देता है? देता है ना, नहीं देता, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ है ना, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कितना, मैंने
आप यहाँ पे जितने ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे कोशिश किया है मैंने सर जनरल मैं आपको वही बोल रहा हूँ सर कभी भी ज्यादा रेट में वो क्यों देना चाहेगा वो आपको आके आपको बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगा क्या आप बार्गेनिंग करके कम में ले लो आप बाय डिफॉल्ट आपको ऑर्डर चाहिए तो आप बार्गेनिंग करने के लिए रेडी हो जाते सर मैं ये कह रहा हूँ इफ अगर अगर एमएसएमई एक्ट में ये प्रोविजन है कि आपको देना होगा 12% ऊपर में तो अब तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए तब तो एमएसएमई सर वो मैं आपको दो क्लॉजेस यहाँ समझा रहा हूँ एक क्लॉज नहीं समझा रहा मैं आपको बोल रहा हूँ एमएसएमई का ये बेनिफिट मिलता है पर ये बायर के हाथ में मैं ये भी आपको बता रहा हूँ बायर आपसे बार्गेनिंग करेगा आप यदि एग्री नहीं होते हो तो आपको L3 L4 के पास जाएगा वो यदि वो L3 के पास गया और वो बोला नहीं मैं 100 रुपया में दे देता हूँ तो ए को भी नहीं मिलेगा बी को भी नहीं मिलेगा डायरेक्ट सी को दे देगा टेंडर 100 रुपये से पहला ऑफर आपको बोलेगा जो आपके पास है ए को तो टेंडर नहीं मिलेगा क्लियर हो गया अभी बी के पास जाएगा आपको बोलेगा देखो ए ने 100 रुपया में डाला है आप 100 रुपये में सप्लाई करते हो क्या आपने बोला नहीं मैं नहीं करता तभी वो सी के पास जाएगा इसको बोलेगा तुम 100 रुपये में सप्लाई करते हो क्या सी एग्री हो गया ये सी नहीं हुआ एफ एग्री हो गया जो मैं 100 रुपये में सप्लाई कर दूंगा तो एफ को जाएगा चला जाएगा और यदि कोई भी एग्री नहीं होता सी डी ई एफ कोई भी एग्री नहीं होता फिर आपको टेंडर बी को ही मिलेगा देना होगा हाँ फिर देना ही पड़ेगा फिर देना ही पड़ेगा ऐसा है पर जनरली ऐसा होता नहीं जब बार्गेनिंग के लिए उतरता है तो सब लोग बार्गेनिंग के लिए रेडी हो जाते इसलिए आपको लगता है कि मिलता ओके गणेश सर सर हमने एक टेंडर भरा था पहले तो सर उस टेंडर में सर हमसे ब्रांड ब्रांड के बारे में पूछा गया था यानी हमने चिसोन एक ब्रांड है अल्ट्रासाउंड का तो उसका टेंडर भरा था तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमको माइंड्रे ब्रांड का मशीन चाहिए तो ऐसा उनको अथॉरिटी है क्या नहीं 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 हाँ वो अथॉरिटी अलग है उसके से उसको अलग से स्पेशल टेंडर निकालना पड़ता है उसको यहाँ पे लिखा रहा यहाँ पे लिखा रहेगा इसके बाजू में लिखा रहेगा पीएससी ओनली तब उसको पीएससी ओनली तो वो और वो एक ब्रांड डिमांड नहीं कर सकता वो मिनिमम 3 ब्रांड डिमांड करना पड़ेगा थ्री ब्रांड्स हाँ और ये टेंडर ऐसा नहीं निकलेगा इसपे आएगा पीएससी बोल के लिखा रहेगा तब पर ऐसा टेंडर के लिए उनको अप्रूवल का अथॉरिटी लगता है और पीएससी का टेंडर आपको बहुत कम मिलेगा उस टेंडर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था नहीं था तो आप उनको ये बोल सकते थे मतलब आप उनसे रिक्लेम कर सकते हो पर हम लोग बाहर से झगड़ा नहीं करते राइट बस इतना ही है नहीं तो आप यदि झगड़ा करेंगे या लीगल में जाएंगे तो टेंडर आपको उसको वही ब्रांड लेना पड़ेगा जो आपने लिया है और वो मना नहीं कर सकता लीगली पर हम लोग ऐसा करते नहीं हम बाहर के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते ठीक है तुमको यही चाहिए तो यही दे दो ठीक है और सर पीएससी का मीनिंग क्या होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट उसमें 3 ब्रांड आता है और 3 ब्रांड में कोई भी एक ब्रांड का प्रोडक्ट दे सकते यदि टेंडर में पीएससी दिखा रहा तो 3 ब्रांड कौन कौन से होते वो तो बायर चूज करेगा ना आपके अकॉर्डिंग अच्छा, उसको मतलब बायर ऑलरेडी डिसाइड करते हैं कि मुझे ये 3 ब्रांड ही चाहिए उसमें से अगर होगा तो हां हां थैंक यू सर वो 3 ब्रांड्स मतलब ओईएम को ही जाएगा ना वो नहीं 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 ऐसा नहीं रीसेलर को भी जा सकता ओके